राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय हमीरपुर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनको देखकर हर कोई दंग रह गया। इस अवसर पर स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। वहीं सालभर की स्कूली गतिविधियों में अव्वल रहने वाले बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। वे स्कूल प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने बताया कि आज स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने बताया कि साल भर की गतिविधियों में अव्वल रहने वाले बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का युग आधुनिक युग ही नहीं बल्कि इसके भी ऊपर उत्तर आधुनिक युग है, पोस्ट मॉडर्न एज, एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस एज में, इस युग में डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, एक टीचर बनना आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल है एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा मानव बनना। जिंदगी की दौड़ में आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपके गुणों की सही परीक्षा मानवता की कसौटी पर ही होगी। एक अच्छा मानव जिसके अंदर बौद्धिक गुणों के साथ साथ अन्य नैतिक गुणों का भी समावेश होना जरूरी है, जिसकी चेतना का विकास हो, बौद्धिक विकास के साथ साथ चेतना का विकास हो। प्यारे बच्चों, जीवन में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और अपने लक्ष्य को कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गलत तरीका नहीं अपनाना है, शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाने हैं। ईमानदारी, मेहनत और लगन से कमाई हुई सफलता जो है वो जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी देती है। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है, एक सफल इंसान है लेकिन अच्छे इंसान नहीं है, तो वो खुशी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी खुशी होती है। ईमानदारी से, मेहनत से, अगर आप मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जिंदगी की कोई, दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। प्यारे बच्चों, जिंदगी एक इंद्रधनुष की तरह है, कहीं धूप है कहीं छाया है, कभी सुख है कभी तो दुख है। बहुत सारी समस्याएं जो है वो जिंदगी में आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना आप तभी से कर सकते हैं जब अंदर से सुदृढ़ होंगे, आपके अंदर अच्छे गुणों का समावेश होगा। Trouble with me, try to keep it peaceful as a struggle.